हेलो फ्रेंड्स, सुनीता शर्मा किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं कि आपकी स्किन के लिए और चेहरे के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी। ये आपको कि घर पे बना के तैयार करना है। ये आपको नारियल तेल में ये दो चीज़ मिला के लगाएंगे तो आपका चेहरा रातों रात चमकने लगेगा। बट इसको आप कंटिन्यू अप्लाई करेंगे तो दिनों दिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसको देखने को मिलेगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करेंगे। तो रेमेडी बनाने के लिए हमने सबसे पहले ले लिया नारियल तेल। तो नारियल तेल अक्सर सभी के घर में मिल ही जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा हमारे चेहरे और स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदा करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं। तो ये न्यूट्रिशन हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदा करते हैं और ये चेहरे के दाग धब्बों को बहुत ही जल्दी से ही क्लीन करने का काम करता है। ये नारियल तेल में इस तरीके से आपको क्रीम बना के रख लेना है, आपको रोज़ सोती टाइम इससे मसाज करके सो जाना है और आप सुबह उठ के इसको नॉर्मल पानी से धो लेना है चेहरा। दूसरी चीज़ इसमें ऐड कर दें एलोवेरा जेल और तीसरी चीज़ इसमें ऐड करेंगे शहद। तो यह हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। हमारे इनके जो भी अगर दाग धब्बे या चेहरे में बहुत ही ज़्यादा रूखापन रहता है तो उसको बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट एकदम ग्लोइंग स्किन बनाने में काम करते हैं ये। तो इस तरीके से इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इसमें अब ऐड कर देंगे नींबू का रस, 2 से 3 बूंदे इसमें नींबू के रस की ऐड करनी है। अगर आपकी स्किन में सूट नहीं करता है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अब इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप इसको कंटिन्यू अप्लाई करेंगे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपकी स्किन में ग्लो नहीं आता है तो आप इससे ग्लो भी बहुत ही अच्छा आएगा आपकी स्किन के अंदर और चेहरा आपका चमकने लगेगा। कंटिन्यू आपको अप्लाई करना है रात को, केवल आपको सोती टाइम हल्के हाथ से मसाज करनी है, आपको कोई ज़्यादा अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा इसमें एलोवेरा जेल और ऐड कर देंगे और ये रातों रात इतना असर, इतनी सॉफ्ट हो जाएगी स्किन है, जो चेहरा आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा और लोग पूछने लगेंगे कि आपने लगा क्या रहे हैं। अगर कंटिन्यू अप्लाई करेंगे तो बहुत ही अच्छा इसमें रिजल्ट देखने को मिलता है। आप इसको कंटिन्यू जैसे सर्दी गर्मी बरसात में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं लगा कर। आप इसको कोई भी क्रीम की जगह आप इसको लगा सकते हैं। इसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाहर के महंगे प्रोडक्ट खरीदने की। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और अभी तक आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे भी जाके फॉलो लाइक शेयर करें। और जो भी कोई अगर डाउट है या वीडियो आपको समझ में नहीं आती है तो आप हमारे को कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मिक्स करना है कि इसकी क्रीम बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाए, क्रीम की तरह ये बनके तैयार हो जाए। आप इसको बना के फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसको रोज़ सोती टाइम आप इससे मसाज कर सकते हैं। तो इसको आप 6 से 7 दिन के लिए काम ले सकते हैं एक बार बना के। और ये देखिए जितना हमारे स्किन के अंदर जाएगा, क्योंकि नींबू है इसमें, शहद और इसमें एलोवेरा जेल है, तो हमारे स्किन को बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैं यकीन से बोल रही हूँ फ्रेंड्स, आप एक बार इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करें। कोई इसमें साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है ये। इसमें कोई भी ज़्यादा आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं हल्के हाथ से आपको मसाज करनी है इसकी, ज़्यादा दबाव लगाते हुए इसकी मसाज नहीं करनी है। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से आपको इसको चेहरा धोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको ये क्रीम की तरह इसको अप्लाई करना है आपको। और बिल्कुल हल्के हाथ से मसाज करोगे तो ये पूरी स्किन के अंदर अच्छे से चला जाएगा और आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट सॉफ्ट दिखेगी, बहुत ही अच्छा आपको खुद को हाथ लगाने में फील होगा कितनी अच्छी हमारी स्किन है जो सॉफ्ट हो चुकी है और इतनी अच्छी धीरे धीरे करके ग्लो मारेगी स्किन आपकी कि रोज़ इसका रिजल्ट एक दिन छोड़ के एक दिन आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और ये आपको बाहर से लाते हो इतनी सारी चीज़ें तो वो हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी करती है। ये घर में बनी हुई रेमेडी है जो बहुत ही ज़्यादा फायदा करती है और इसको आपको थोड़ा सा लंबा टाइम के लिए यूज करना पड़ता है, आपको एक बार या दो बार में रिजल्ट नहीं आता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे फेसबुक पेज को भी जल्दी से जाके फॉलो करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।